नमस्ते दोस्तों, मैं मौरवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका चंद्रकिरण सोनरेक्षा, इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रकिरण सोनरेक्षा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो वस्तुनिष्ठ रूप से मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, पहले उनका व्यक्तित्व देख लेते हैं, जिसमें उनका है जन्म 19 अक्टूबर 1920 नौछहरा छावनी, जिला पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ है। आर्य समाजीय परिवार में हुआ है इनका जन्म। और लेखिका का जन्म हुआ उस समय ऐसी स्थिति थी, दवा या किसी अस्पताल की भी सुविधा नहीं थी, जच्चा बच्चा को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता था। इस कारण कितनी स्त्रियों को प्रसव की पीड़ा सहन करनी पड़ी थी और साथ ही कईयों की जानें भी चली जाती थी। लेकिन तत्कालीन समय में लड़का लड़की में भेदभाव ज़्यादा किया जाता था। लेखिका अपनी आत्मकथा में जन्म के बारे में लिखती है, जैसे 1919 में रामफल जी पेशेवर में थे, वही 1920 में क्वार की दुर्ग सप्तमी को मेरा जन्म हुआ, ऐसा वो बताती है। और ये उनको उनके माँ ने बताया हुआ था, ऐसा वो कहती है। ठीक है, इनके अन्य नामों में जैसे नामकरण भी इनके बहुत थे, और इनका नाम जैसे कि नो, निक्की, किरण, इस तरह के नाम है। लेखिका की बहन का नाम चंद्रावल था, जो इसमें भाई बहन में दिया है, श्यामलाल, किशोरीलाल, चंद्रावल और कन्हैयालाल। अब इस दोनों बहनों के नाम एक जैसे हो या मिलता जुलता नाम वो रखना चाहते थे। इनके नामकरण के संबंध में वो कहती है कि इनकी बहन का नाम चंद्रावल भारतेंदु हरिश्चंद्र के चंद्रावली नाटक से लिया गया था, और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने कहा कि जैसे दोनों के नाम एक जैसे होने चाहिए, इसलिए चंद्र चंद्र शब्द एक जैसा इनको लगा, इसलिए उन्होंने चंद्रकिरण नाम रखा गया। अब लेखिका के घर में कोई इनको किन्नो नाम से बुलाता था, एक इनके घर में पंजाबी नौकरानी थी जो उन्हें निक्की कहकर बुलाती थी, और कुछ शिक्षक या उनकी सहेलियां उनको किरण भी कहकर पुकारती थी। भाषा इनको बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी, अंग्रेजी, उर्दू, यानी 4-5 भाषाओं का ज्ञान इनको अर्जित था। शिक्षा इनकी 6वीं हिंदी साहित्य रत्न इन्होंने 1936 में प्राप्त किया है। भाई बहन में श्यामलाल, किशोरीलाल, चंद्रावर और कन्हैयालाल, इस तरह ये भाई बहन रहे हैं। संतान में इनके कुंतल, कल्पना, कामना, कार्तिकेय, कौंतेय और शन्नो, इस तरह इनके संतानों के नाम हैं। छठे बेटे का नाम शन्नो था, जो कम समय में, कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी जैसे कुंतल, कल्पना, कामना और कार्तिकेय और कौंते, ये 5 उनके संतान अभी जो जीवित है। मृत्यु 17 मई 2009 में मृत्यु उनकी हुई है। पुरस्कार इनको 1946 में सेक्सरिया पुरस्कार, ये पुरस्कार लेखिका को आदमखोर इस कहानी संग्रह के लिए उनको मिला था। 1987 में सारस्वत सम्मान भी इनको मिला हुआ है। 1988 में सुभद्रा कुमारी चौहान स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश साहित्य सम्मेलन की ओर से इनको प्राप्त हुआ है। 2001 में हिंदी अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ हिंदी लेखिका सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। अब इनकी जो कृतित्व है या कृतित्व या उनकी रचनाएं, जिसमें धीसु चमार नामक, इन्होंने दलित साहित्य को लेकर एक या दलित जीवन को लेकर एक कहानी लिखी थी, जो उनकी प्रथम कहानी थी, जो 1931 में कलकत्ता की विजय मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लगभग उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था, किशोर अवस्था में लिखना प्रारंभ किया था। बहुत सारी इनकी रचनाएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में छपकर आती थी। अब तक 400 से अधिक या 400 कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और इन्होंने इनकी जो कहानियां हैं बंगला, रूसी, मराठी आदि कई भाषाओं में अनुवादित भी है। तत्कालीन विजय, रूपाब, माया, हंस, चांद, महिला या बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां छपती थी। अब 1950 में इनका आदमखोर यह जो कहानी संग्रह आता है, ये पुस्तक लंदन विश्वविद्यालय की बीए की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उड़ती दीवारें, हिरनी वे भेड़िए, सौदामिनी, एक क्लास का कैदी, जवान मिट्टी, दूसरा बच्चा, तीसरी कोशिश, प्रेम और मार्क्स, और दो राष्ट्र और एक इंसान, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की आदि प्रमुख इनकी कहानियां हैं, कुछ कहानी संग्रह है। इनके उपन्यासों में चंदन चांदनी, वंचिता,
दिया जलता रहा इस उपन्यास पर दूरदर्शन पर धारावाहिक जो प्रसारित हुआ था जो बहुत ही लोकप्रिय रहा था तत्कालीन समय में। कहाँ से कहाँ नहीं यह भी इनका एक उपन्यास है। पटकथा लेखन आकाशवाणी के लिए लेखन स्क्रिप्ट लेखन भी इन्होंने किया है। पटकथा लेखन में गुमराह ये एक है और उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना उनकी आत्मकथा है 2008 में पिंजरे की मैना। लेखिका ने अपनी जो आत्मकथा में अभिव्यक्ति की सभी खतरे जैसे उठाए हैं, जो बातें हम कहने के लिए हिचकिचाते हैं वो बातें भी उन्होंने आत्मकथा में कही हैं। इस कारण यह आत्मकथा सिर्फ लेखिका की नहीं सभी स्त्रियों की बन जाती है जो पिंजरे की मैना है। हम शीर्षक से ही समझ जाते हैं कि यह आत्मकथा किस विषय को लेकर आती है। स्त्री का जीवन अपना निजी जीवन है, उसी जीवन पर अगर किसी का अंकुश लग जाता है तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है ये उनकी आत्मकथा से हमें देखने को मिलता है। कभी समय मिला तो चंद्रकिरण सोनरक्षा की पिंजरे की मैना इस आत्मकथा पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें। 1956 से 1979 तक वरिष्ठ लेखक के रूप में लखनऊ आकाशवाणी में इन्होंने कार्य किया है और 24 वर्ष तक आकाशवाणी लखनऊ केंद्र में स्टाफ असिस्टेंट के रूप में लेखिका ने कार्य किया हुआ है। दूसरी ये बात कि स्वतंत्र भारत के साप्ताहिक सुमन के महिला व बाल विभाग की संपादिका ये रही है और विजय रूपाब माया हंस चांद महिला विजय या बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लेखिका की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। लेखिका के समकालीन लेखकों में या रचनाकारों में जैसे हरिवंश राय बच्चन है, विष्णु प्रभाकर जी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, हीला चंद्र जोशी है, यशपाल है, विष्णु प्रभाकर जी है, बहुत सारे जो लेखक इनके समकालीन रह चुकी है। 20वीं शताब्दी की ये महत्वपूर्ण लेखिका मानी जाती है और इनको प्रथम पुरस्कार जो कहानी के लिए 5 रुपये राशि मिली थी जो इन्होंने आगे संभाल के रखी और इसी के कारण या प्रेरित होकर उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा रचा। इनके बारे में एक विशेष बात ये है कि इनका साहित्य बहुत लिखा हुआ है लेकिन कुछ कम संख्या में प्रकाशित हुआ है। लेखिका का जब हम अपना जीवन देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि लेखिका ने या लेखिका का साहित्य क्यों प्रकाशित नहीं होता था। इनके बारे में बहुत विस्तृत से जानकारी हम देखेंगे या कभी समय मिला तो इस पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल इनके बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस वीडियो में देने की कोशिश मैंने की है। लेखिका इतनी बड़ी है कि इस पर कितना बोला जाए उतना कम है और बहुत साहित्य इनका है और इनका योगदान भी कम नहीं है और अनगिनत कहानियाँ इनकी छप चुकी हैं और तत्कालीन समय में ये बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित लेखिका रह चुकी हैं। तो चंद्रकिरण सोनरक्षा का अपना जीवन और चंद्रकिरण सोनरक्षा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आप लोगों को इस वीडियो में संक्षिप्त में दिया गया है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।